अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको ज़ीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर सॉल्विंग अ मैथ इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, हम देखते हैं जी, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें फोर साइंस होते हैं। एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का। तो इन चारों साइंस को ऐड करके एक इक्वेशन बनाई जाती है, जो यूज करके, और उनके अलावा पैरेंथेसिस होती हैं। अब हमने देखना है कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम रैंडमली तो नहीं ना सॉल्व कर सकते अपनी मर्जी के साथ। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एक रूल होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का, कि उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मैथ की इक्वेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है? द रूल दैट टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to evaluate the math equation. तो ये रूल स्टेप्स का सीक्वेंस कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस, इसके बाद करते हैं जी एक्सपोनेंट, इसके बाद करते हैं मल्टीप्लीकेशन, और डिवीजन फोर्थ नंबर पे है जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी इक्वेशन आ जाती है या एक्सप्रेशन आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेप्स का सीक्वेंस जो है इसको मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसको कलेक्टिवली एक वर्ड है याद करने के लिए, उसको बोलते हैं पैमदास। पैमदास एक वर्ड है इसको याद करने के लिए, कि ये एक सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है या इक्वेशन आ जाती है उसको सॉल्व करते हैं। P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू पैमदास हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जहन में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए हम किस तरीके से अपनी जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।